हेलो गाइस, आज मैं हूँ पॉटर वर्किंग शॉप में। तो आज मैं आपको ये बर्तन दिखाने वाला हूँ कि कैसे बनते हैं। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मिट्टी है, ये मिट्टी का ऐसे, ये मिट्टी है, ये मिट्टी है। ये जो पॉटरी मेकर्स होते हैं वो ये मिट्टी लेके आते हैं खेत में से, अपने मिट्टी लेके आते हैं, उसको क्रश करते हैं। क्रश करके वो मिट्टी को ऐसे और बारीक कर लेते हैं। ये भी अभी पूरी बारीक नहीं है, इसको और बारीक कर लेते हैं। जो बारीक करके फिर उसको ना इस तरह का बना लेते हैं। ठीक है, राजस्थान की है, ये राजस्थान की मिट्टी है। जो इसको ये लेप करते हैं, कैसे, जो ये पॉट्स बनते हैं उसके ऊपर इस तरह से उसकी कोटिंग कर देते हैं ये। और ये वो हैं, ये वाले पॉट्स वो हैं जो बन चुके हैं और अभी इनको सूखने के लिए रखा हुआ है। उसके बाद इसको ये आग के अंदर डालेंगे तो ये पक जाएंगे। ठीक है जी, तो आओ आगे दिखाओ। और आप क्या दिखा रहे थे? लव, ये जो जब ये येलो है, हाँ, अभी जैसे ये येलो है ना, तो जब इसको आग में डालेंगे तो फिर ये इस तरीके इसके जैसा रेड हो जाएगा, है ना, रेड हो जाएगा जैसे हमारे पास जो मटका है। यस यस, चलो अंदर दिखाओ कैसे, मतलब ये इनका जो चाक होता है ये कैसा होता है। ये देखो, ये इसके ऊपर घूमती है पॉट, जिसको मिट्टी के, मतलब मिट्टी को इसके ऊपर घुमाते हैं और इस तरह का स्ट्रक्चर दे देते हैं इसको। इस तरह का हो गया, या बड़े बड़े मटके हो गए पानी के लिए, या और चीज़ें रखने के लिए मटके हो गए। हर तरीके का डिज़ाइन है। और ये देखो, ये थोड़े अलग टाइप के कंटेनर्स बना रखे हैं। देखो कितने मस्त कंटेनर्स हैं। ये अंकल जी कितनी देर में बन जाता है? एक दो मिनट में बना देते हो आप इसको? वाह। और इस तरह का जो पॉट है इसको आप कितने मिनट में बना देते हो? इसमें 5 मिनट लग जाते हैं, लेकिन 5 मिनट मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत कम है। मतलब इनके स्किल्स देखो कितने मस्त हैं कि ये इतना बड़ा पॉट, रुको रुको रुको, आराम से, ये देखो इतना बड़ा, 5 मिनट, इतना बड़ा पॉट ये 5 मिनट में बना देते। हम तो बेटा बना ही नहीं पाएंगे इतना प्यारा पॉट। रुको, ये है बड़ा। इस तरह के मटके में अंकल कितना टाइम लग जाता होगा? नहीं मतलब मिट्टी जब आ जाती है इस पे चाक के ऊपर, तो उसको आकार देने में, इस तरह का आकार देने में, आकार देने में कितना टाइम लगता होगा? 1 घंटा लग जाता है आकार देने पूरा। ठीक है, फिर इसको कितनी देर सुखाते हैं हम? पूरा दिन सुखाते हैं, उसके बाद आग में डालते हैं। वो कितनी देर डालते हैं फिर उसमें? वो भी 24 घंटे। अच्छा जी, राम राम जी, बढ़िया जी, आप बताओ कैसे हो? हेलो मामा कर दो, हेलो मामा कर दो। आओ आगे लव, आ जाओ। ये है देखो पूरा स्टोर, ये है कितने सारे पॉट्स। ये पीछे पकाने का है, पीछे पकाने का लगाते हैं। कहाँ पे बताओ जरा? ओके, ये है पूरा ये पकाने का। इसमें पॉट्स को डालते हैं, जो कच्चे पॉट्स थे ना लव, जो कच्चे पॉट्स थे ना वो उनको इसमें डालते हैं और इस तरह धीमी आंच में वो पकते रहते हैं। ये देखो बना के इन्होंने प्रिपेयर कर रखे हैं पूरे। यस, दिस इज गड़बड़ा। ये यहाँ हरियाणा और पंजाब में लोकल एक हमारा ये फेस्टिवल है जिसमें ये चीज़ें बनाई जाती हैं, तो इसको हम बोलते हैं गड़बड़ा। गड़बड़ा इसमें रखते हैं हम अंदर इसके दिया जलाते हैं। हमारी और वीडियोस भी हमारे चैनल पे आपको मिलेंगी जिसमें हमने इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हुए दिखा रखा है। तो ये बहुत ही मतलब डेकोरेटिव सा एक फेस्टिवल रहता है ये, जिसमें दिए जलाए जाते हैं जस्ट लाइक दिवाली। तो इसको हम रख देते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे पॉट्स डिजाइन करके बना रखे हैं, हैं वो छोटे छोटे दिए। दिवाली स्पेशल जो सबसे ज्यादा बिकने वाली आइटम है ये दिवाली के टाइम में। तो भैया इसको बनाने में कितना टाइम लग जाता है? एक इसको मतलब चाक के ऊपर जब 5-7 मिनट लग जाते हैं, 5 सेकंड मतलब आप तो बस
घुमा रहे हो, आकार दे रहे हो और निकाल रहे हो, है ना, एक तरह की मशीन ही चलाते हो। क्या एक जना पट भी ले जा, एक जना तारी जा, एक जना पट। वेरी गुड। तो इसका क्या मतलब? लाइन मदर कतार देख, फिर कितने सोने लगाएंगे? ये 100 के 100 है, 100 के 100 है। मैं आपको एक रियलिटी बताऊं, अगर आप बड़े शहरों में, जैसे हम नोएडा में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, वहां पे इनकी कीमत मेरे ख्याल से एक की भी कम से कम 5 रुपए। हाँ। हाँ। ये क्या चीज बना रखी है? वो हाँ जी, अच्छा जोत जो जगाते हैं। अच्छा अच्छा, वाह, ये तो वो बंगाली स्टाइल का वो दिया है जोत जगाने का। वाह, ये तो बहुत ही एक जबरदस्त कलाकारी है। ये भी एक अलग डिजाइन की है, इंटरेस्टिंग। अक्सर हम लोग घर में क्या रखते हैं, वो पीतल के होती हैं वो। हाँ, पीतल की हो माँ। तो ये काफी अट्रैक्टिव है, मतलब ये ट्रेडिशनल भी है और अट्रैक्टिव भी है मेरे हिसाब से। ये ज्यादा अच्छी चीज है। ठीक है, ये कुज्जी बोलते हैं यहाँ पे, हरियाणा में इसको कुज्जी बोलते हैं। इट्स जस्ट लाइक अ कंटेनर, स्मॉल कंटेनर। ये भी दिवाली पे, त्योहारों पे काम आती है चीज। ये थोड़े से मीडियम साइज के घड़े हैं यहाँ पे, और वो बड़े बड़े रखे हुए हैं, देखो जी, जबरदस्त कलेक्शन है यहाँ पे। ओ लव, मजा आ गया आज ये पॉटरी वर्कशॉप और इनका पूरा स्टोर देख के, है ना। एक चीज और लव ने ली है आज, वो हम दिखाते हैं बाहर। ये है वो मिट्टी जिसका लेप करते हैं इन कच्चे घड़ों पे, फिर इसको पकाए जाते हैं। अगर देखें इसको टच करके, ये देखो, ये पूरी येलो मिट्टी है। ये बता रहे हैं कि राजस्थान साइड से आती है कहीं से, क्या चाहती होगी ये? कहीं वो तो नहीं है जो हल्दी घाटी से आ रही है? हल्दी घाटी से नहीं आ रही। अच्छा, लव ने लिए आज ये स्मॉल ये पिगी बैंक, और काफी सारे हमने, ये पूरा हमने तो थैला ही भर लिया है। इसमें है स्मॉल और कंटेनर्स, और दूसरे देखो ये हैं कंटेनर्स, और हैं बहुत सारे दिए। गाइस, हम चाइनीज आइटमों को का बहिष्कार करते हुए हमने बहुत सारे दिए खरीद लिए हैं, जो कि हम दिए जलाने वाले हैं, घी के और तेल के। क्या मस्त डिजाइन है एक। तो गाइस ये था पॉटरी वर्कशॉप का एक वॉक थ्रू। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।